हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग को आईपीएल के बाद दुनिया का सबसे बड़ा टी20 कंपटीशन माना जाता है, इसलिए काफी उम्मीदें रहती है लोगों की इस बड़े कंपटीशन से। लेकिन पिछले साल इस टूर्नामेंट को इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली और इसकी टीवी रेटिंग्स काफी ज्यादा डाउन चली गई थी। इस वजह से इस साल बिग बैश के अंदर हमको काफी सारे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और आज इस वीडियो में ऐसे तीन बदलावों के बारे में बात करने वाला हूं। इसमें से एक बात फिक्स हो चुकी है और बाकी दो बातों के ऊपर अभी मीटिंग होनी बाकी है। तो सबसे पहली चीज के बारे में बात करूं जो कि फिक्स हो चुकी है, वो होने वाला है कि इस साल बिग बैश के अंदर ओवरसीज प्लेयर का एक ड्राफ्ट होने वाला है। इससे पहले क्या होता था कि सारी की सारी टीमें खुद के बेसिस के ऊपर प्लेयर साइन करती थी, वो खुद से जाती थी, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते थे प्लेयर से, टीम से साथ में कोई आईपीएल या फिर सीपीएल जैसा ड्राफ्ट नहीं होता था। लेकिन इस बार एक प्रॉपर ड्राफ्ट होने वाला है बिग बैश के अंदर भी, जिसमें हमको काफी सारे ओवरसीज प्लेयर इस टीम से उस टीम में जाते हुए दिख जाएंगे। हालांकि हर टीम के पास एक राइट टू मैच कार्ड भी होगा, जैसा कि आईपीएल के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल, राशिद खान एडिलेड के लिए खेलते हैं पर उनको इस बार पर्थ की टीम साइन करना चाहती है। लेकिन अगर एडिलेड उसी जवाब के ड्राफ्ट के ऊपर सैलरी पर साइन करना चाहेगी राशिद खान को, तो एडिलेड राइट टू मैच के जरिए इस बार साइन कर पाएगी राशिद खान को। इस वजह से हमको एक राइट टू मैच कार्ड भी मिलेगा। उसके अलावा हर टीम को इस बार आईपीएल और सीपीएल की तरह ड्राफ्ट के अंदर प्लेयर चूज करने पड़ेंगे, तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात होने वाली ओवरसीज प्लेयर के ड्राफ्ट के रूप में। अगर मैं अगले रूल के बारे में बात करता हूं तो वो आने वाला है सब्स्टिट्यूट का रूल। जैसे हमको फुटबॉल में देखने को मिलता है कि प्लेयर एक दूसरे को रिप्लेस कर लेते हैं, अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर सिर्फ कंकर्जन सब्स्टिट्यूट होता है कि किसी प्लेयर को अगर कंकर्जन होगा तो उसका रिप्लेसमेंट आ जाएगा। लेकिन इस बार बिग बैश के अंदर किसी भी तरह की इंजरी के ऊपर सब्स्टिट्यूट की मांग करी जा रही। जी हां, अगर प्लेयर इंजर्ड होएगा तो बाहर का कोई प्लेयर उसकी जगह खेलने आ जाएगा और वो उसके रोल की जगह खेल सकता है। मेरे हिसाब से ये भी काफी अच्छा रूल होने वाला है बिग बैश के अंदर। और अगर मैं आखिरी रूल के बारे में बात करता हूं तो वो होने वाला है मिड इनिंग्स बोनस पॉइंट रूल। इस रूल का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मेलबर्न और एडिलेड के बीच मुकाबला चल रहा है, एडिलेड ने पहले बैटिंग करते हुए 200 रन बनाए, वही मेलबर्न की टीम स्कोर को चेस नहीं कर पाई, लेकिन 10 ओवर के बाद एडिलेड करते 50 रन, वही मान लीजिए मेलबर्न ने बना दिए 60 रन, तो इस वजह से उनको 10 ओवर में आगे होने की वजह से एक बोनस पॉइंट मिलता है। जी हां, अगर आप 10 ओवर के बाद अगर टीम से आगे हो तो कोई बोनस पॉइंट मिल पाएगा। तो ये नए तीन रूल है जिनको जो प्रपोज किया जा रहा है। पहला रूल एकदम कंफर्म हो चुका है, वही बाकी के दो रूल के ऊपर डिसीजन अभी भी चल रहा है। इससे पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं टॉपिक के ऊपर, आपको लिंक मिला कार्ड में, जरूर से उस वीडियो को चेकआउट जरूर से करना, आपको काफी सारी बातें जानने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक जरूर से करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो के अंदर। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।